हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो हम किसी प्लास्टिक कंपोनेंट की हम इसके ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर का कैसे एनालाइज करते हैं, इसकी पार्टिंग लाइन कैसे एनालाइज करते हैं, उसकी थिकनेस कैसे मेजर करती है, कैसे एनालाइज करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी कॉम्पोनेंट है मेरे पास, तो मैं इसको एक बार इम्पोर्ट कर लूँगा। दोस्तों, इसमें यह देखना है, जो भी आप कॉम्पोनेंट में बना रहे हो उस कॉम्पोनेंट में कोई एरर है, ये मोल्डेड के लिए पास है, वो भी हम देख सकते हैं, वो भी बताऊँगा इस वीडियो में आपको। जैसे यहाँ मेरा कंपोनेंट है, जैसे मैं कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रही है डू यू विश टू रन द इंपोर्ट डेंसिटी, मुझे यस करना है यहाँ पे। जैसे इसमें यस करोगे, कहीं पे अगर किसी चीज का इश्यू होगा तो आप जो है यहाँ पे कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगा तो अटेम्प्ट टू हील कर सकते हो। इसमें क्या होगा, कहीं पे कई मॉडल है, कहीं से आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इस केस में आप इसको हम हील कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आपने ओके कर दिया तो यहाँ पे फिर पूछते हैं आपको, डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड द फिशर रिकॉग्निशन। तो इसमें होता क्या है, जो भी आप फीचर यूज करते हो, मान लो मैंने कोई मॉडल बनाया एनएक्स में, उस मॉडल को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैं क्या क्या कमांड लगा के उसको बनाया हूँ, तो वो कमांड जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको यस करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी हिस्ट्री दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम वगैरह आप सारे को ऑन कर रखना है, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसमें अप्लाई करूंगा, सारा जो हिस्ट्री होगा यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो प्लान होगा हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लान चूज कर लेंगे, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे सारा जो चीजें है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो मैंने कैसे किया है, क्या नहीं किया है ना, तो आप इसमें हिस्ट्री जो है देख पाओगे, ठीक है। लाइक इस तरीके से आप उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो। अब दूसरी चीज है जो मेरा मॉडल है, अब मॉडल पे आप देख पा रहे हो कि जो मेरा मॉडल है ये सही तरीके से लाइन ही हो रही है, तो इसको हम लाई करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, स्पेस दबाना है, स्पेस दबा के आपको आइसोमेट्रिक में देखना है यहाँ पे, या कंट्रोल 7 दबा के भी आप देख सकते हो। तो इसमें होता क्या है, हम जो मॉडल है सही तरीके से लाई हो रहा है कि नहीं हो रही है, वो हम चीजें देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको ये वाले जाना है, डायरेक्ट एडिटिंग में जाना है, या नहीं तो आप फीचर्स में जाके, इंसर्ट में जाके, फीचर्स में जाके यहाँ पे मूव कॉपी मिल जाएंगे। दोनों तरीके से जा सकते हो, इसको जो ये बार है इसको भी ऑन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं मूव कॉपी में जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा रोटेट में। रोटेट में किसके अबाउट होगा, एक्स के अबाउट, क्योंकि मुझे इसको एक्स के अबाउट घुमाना है ना। तो मैं एक्स के अबाउट जो है यहाँ पे -90 डिग्री में रोटेट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा जो बॉडी होगा यहाँ पे -90 डिग्री जो है रोटेट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा -90 डिग्री, मैं इसको रोटेट कर दूंगा। लाइक इस तरीके से जो मेरा मॉडल होगा, इसको मैं सबसे पहले इसको मैं पोजिशनिंग करूंगा, मेरा जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको पोजीशनिंग करूंगा। जब भी प्लास्टिक कंपोनेंट की आप पोजीशनिंग करते हो, आपको ये देखना है कि किस तरफ इसके जो कोर केविटी है किस तरफ एक्सट्रैक्ट होगा, मतलब किस तरफ बनाना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, मोल कैसे खोलेगा। तो ये आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से होती है। तो कभी भी डिजाइन करोगे तो कोऑर्डिनेट आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं इसकी दूसरी चीज। अभी मैंने जो प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, इसकी मेरा जो कंपोनेंट है वो सही है या नहीं है, इसमें कुछ कमी क्या है, इसको हम करेंगे इवैल्यूएट में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होती है, हम इसकी देखेंगे, ड्राफ्ट एनालाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्राफ्ट एनालाइज करूंगा और जो मेरा बेस फेस होगा मैं ये वाले फेस दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बेस फेस होगा मैं इसको देखूंगा। अब जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो रेड है इसमें क्या निगेटिव ड्राफ्ट है, और जो पॉजिटिव ड्राफ्ट है वो ग्रीन में है। तो यहाँ पे मेरा ग्रीन है बट यहाँ पे ड्राफ्ट मांग रहा है, मतलब यहाँ पे जो ड्राफ्ट टूटे प्लास्टिक में आपको पता है 0.5 से लेकर 3 डिग्री तक होती है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट मांग रहा है, आपको ये देखना है जहाँ पे आपकी येलो आती है ना, आपको ये चीज देखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस में है, यहाँ पे प्लस ना आ जाए। देखो कहीं पे मेरा प्लस नहीं आ रहा है, 0.5 क्या है, 5 से जो है मेरा कम है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राफ्ट लगा सकते हो, इसकी जो टेंजेंसी है फिर भी ओके है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव में ही है, ठीक है ना। तो सारा चीज यहाँ पे देखोगे सारे नेगेटिव में है। और दूसरी चीज आपको नीचे भी देखना है, सेम है कि यहाँ पे तो आपकी तो पॉजिटिव में नहीं आ रही, जैसे मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे सारे में पॉजिटिव आ रही है, तो इट्स ओके, तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरा ड्राफ्ट नहीं है, यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है ना। अगर इस तरीके से जो है जितना आपको ड्राफ्ट सही है तो हम ड्राफ्ट दे देंगे। अभी मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ड्राफ्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सिंपली मैं जाऊंगा फीचर्स में, फीचर्स में जाके मैं यहाँ पे ड्राफ्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो सब में जो है मैं 0.5 का ड्राफ्ट लगा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लगाऊंगा 0.5 आउट, मतलब ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे आपको जितना भी फेसेस है आपको ड्राफ्ट लगाना है, तो मैं यहाँ पे ड्राफ्ट लगाता हूँ, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सारा जो फेस होगा आपको ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, जो ये वाली फेस है यहाँ पे भी आपको ड्राफ्ट चाहिए, तो इसको भी हम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे फेस जो है यहाँ पे कनेक्ट है, तो आप लगा सकते हो। इसकी जो है मैं पूरा मोल्ड बनाऊंगा, तो अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसके पहले पार्ट को एनालाइज करेंगे, फिर इस पार्ट को मैं आपको इस जो ये मेरा कंपोनेंट होगा सॉलिडक्स में बनाऊंगा, तो इसमें पूरा देखेंगे कि पार्ट के डीएफएम कैसे करते हैं, मोल्डिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, सारा कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो जैसे आप देखोगे इस तरीके से करके, तो यहाँ पे ड्राफ्ट आ गई, बट यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी ड्राफ्ट लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको ड्राफ्ट लगा लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे इसको लगभग मैं 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये आपका होगा पूरा स्टिपर प्लेट मोल्ड होगा, जिसमें कंपोनेंट में कहीं पे भी आपको डाग नहीं मिलेगा इंजेक्शन सिस्टम में, ठीक है। तो हम वो मोल्ड बनाएंगे इसमें, आप एक बार देखोगे तो सारी तरीके से जो है ओके है ना। तो ड्राफ्ट वगैरह लगा दिया है। अगर दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मूव कॉपी किया, अगर मैं इसमें ड्राफ्ट नहीं होगा, ड्राफ्ट मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको अप कर दे रहा हूँ, मतलब मेरा ड्राफ्ट नहीं है अभी भी एनालिसिस में, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ होता क्या है आपको। तो अभी यहाँ पे जहाँ पे ड्राफ्ट की जरूरत है वहां पे मैंने ड्राफ्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी मुझे पता है कि यहाँ पे लगेगा, बट सॉफ्टवेयर को नहीं पता। तो जैसे हम इसकी अंदर का एनालिसिस करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे इसके अंदर का एनालिसिस करूंगा, तो आपको यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 27 क्या आ रहा है यहाँ पे। 27 में पता हो रहा है कि आपका ये जो चीज है यहाँ पे 27 कुछ फेस ऐसे है जो इसको पता नहीं है क्या है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है ऑक्लूडेड, जो अंदर का आ रहा है ना, तो इसमें मतलब क्या यहाँ पे अंदर, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो देखने के लिए। तो आप जैसे देखोगे यहाँ पे इसको आप हाईलाइट करके देख रहे हो कि यहाँ पे ड्राफ्ट वगैरह नहीं है, और यहाँ पे जो नो अंडरकट है यहाँ पे कोई अंडरकट नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी जो है ओके है। तो यहाँ पे मेरा 27 सरफेस होगा जिसमें मुझे यहाँ पे दिखा रही है। तो मैं इसको फिलहाल क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको दोनों को मैं अभी एक्टिव कर देता हूँ जो मैंने ड्राफ्ट लगाया था, अब इसको मैं अंदर का एनालाइज कर दूंगा ना, तो आप एक बार देख लोगे दोनों में क्या डिफरेंस आ रही है। अब देखो यहाँ पे 43 आ रही है, अब देखो इसमें आ रही है नहीं आ रही है ना, जो चीज में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी कोई प्लास्टिक पार्ट आपको मिलती है तो हमेशा इसकी ड्राफ्ट एनालिसिस, अंदर के एनालिसिस, और एक लास्ट में जो आती है आपका पार्टिंग एनालिसिस, तो पार्टिंग लाइन का भी आपको देखना होती है। तो यहाँ पे मैं सरफेस सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ये वाली होगा, ऑब्वियसली मुझे पता ही है। अगर इस केस में मैं इसके जगह में अगर कोई दूसरा सिलेक्ट करता, ठीक है ना, तो दूसरा सिलेक्ट करता तो मैं यहाँ पे मुझे पता लग जाता कि कहाँ पे क्या होती है क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फैक्टर के हिसाब से भी कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है मैं ये वाला लूंगा, राइट। अब देखो दोस्तों इसमें आता हूं मैं अभी थिकनेस एनालिसिस। अब कोई भी प्लास्टिक बनाते हो ना, एक थिकनेस होती है कि इतना मुझे थिकनेस रखना है ना, तो हर एक की स्टैंडर्ड होती है। तो आपको कैसे स्टैंडर्ड पता लगेगा कौन सी प्लास्टिक का कितना थिकनेस लिमिट होती है, कि इतना में पीपी का कितना होगा, एबीएस का कितना होगा? तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हूँ, वो वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हो सीधा। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैंने नीचे लिंक दे दूंगा, आपको क्या करना है सेम डिजाइन में जाना है। तो जाके आपको यहाँ पे मिलेंगे ये वाली है, ठीक है, ये वाली जो है रिप बॉस कैसे ड्राफ्ट एनालिसिस, इसमें जाना है और लास्ट में आपको सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा कितना प्लास्टिक का क्या थिकनेस लिमिट होती है, है ना। तो वर्ल्ड थिकनेस का मैंने ऐसे आपको दिखा है, एबीएस का 0.3.2 होती है, नायलन का 0.4 से लेकर 3.2 mm का होती है, तो हर एक का अलग अलग है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है इसके आप निकाल सकते हो कैसा आपको कितना लेना है क्या होती है, सारा इसका स्टैंडर्ड मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको डाटा ले सकते हो, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग जो मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूँ, तो इसके हम क्या करेंगे, इसकी थिकनेस एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेट कर देना है सिंपली। जैसे आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे देख रहे हो आपको कितना कलर आ रही है, जो भी आपकी आ रही टारगेट है, तो इस हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होती है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देख रहे हो यहाँ पे सबसे कम थिकनेस जो वहाँ पे होगा वहाँ पे आपको क्या कलर में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे क्या स्ट्रेच वगैरह आ सकती है, तो अलग अलग करके आप देख सकते हो। अगर इसकी रिपोर्ट को शेप करना है तो यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट वगैरह भी जो है शेप कर सकते हो। तो दोस्तों हम जैसे थिकनेस एनालाइज करते हैं, उससे पहले अपने को क्या करना होती है, अपने को सबसे पहले जाके उसकी जो है मेटल देना होती है। तो हम यहाँ पे जाके एडिट मेटल में जाके इसकी हम जो मेटल होगा, जो भी हम प्लास्टिक यूज करेंगे, तो हम इसकी जो है इसकी दे देंगे प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एबीएस यूज कर रहा हूँ, है ना, तो मैंने आपको बताया था एबीएस का कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एबीएस जो है ऑटोमेटिक लोडेड हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है इसकी थिकनेस एनालाइज कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम थिकनेस देखेंगे। अगर आपको कलर ज्यादा लग रहा है तो आप कलर कम भी कर सकते हो,
है ना। तो इस तरीके से सारा चीजें जो है आप इसमें देख सकते हो। तो कभी भी कोई भी पार्ट होती है तो पार्ट के अलग में आप देख सकते हो कहाँ पे क्या होती है, कहाँ पे क्या नहीं हो सकता है। तो हर एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर एडिट कलर में जाना है तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट बना सकते हो, जैसे भी चाहिए। थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ाना है तो आप रिजोल्यूशन बढ़ा के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ठीक रीजन वगैरह देखना है कहाँ पे कितना ठीक रीजन वगैरह आ रही है ना, तो हम इसको भी देख सकते हैं कैसे इसको करना है। थोड़ा सा टाइम लगेंगे इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे मेरा यहाँ पे एनालिसिस हो गया, यहाँ पे थीक रीजन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएंगे। कहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे? जहाँ पे मैंने ये थीक रीजन है इस जगह में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएंगे। तो यहाँ पे जो है हाईलाइटेड कर सकते हो आप, कहीं पे थीक रीजन है आपको पता नहीं चल रहा है कितना है। आप बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे करके भी देख सकते हो कितने का थिकनेस आएंगे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसमें आपको और एक चीज बताऊंगा जिसमें इसमें मैं मोल्ड करूंगा, जो मेरा मोल्ड होगा। तो वो मोल को हम DFM वैसे कैसे करते हैं, मतलब कोई चीज है उसको हम DFM करना होती है ना, कि ये मेरा किस में होगा, किस में कटिंग होगा। तो आप वो चीज भी इसमें देख सकते हो। DFM इसमें क्या होती है, जो भी मेरा ये होता है सबसे पहले देखूंगा मेरा यहाँ पे, ये मेरा देखो क्या करूंगा मैं, टर्निंग करूंगा। तो इसको मैं रन कर दूंगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे होल्ड डेप क्या है, मैक्सिमम होल्ड एरिया क्या होगी, टूल डेप डायमीटर का कितना लाना चाहिए। तो आप सारा चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या आ सकती है, मिल में क्या प्रॉब्लम आएगी और इसमें टर्निंग में आपको क्या प्रॉब्लम है, सारा चीजें आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो हर तरीके से इसमें आप एनालिसिस करके देख सकते हो। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो चैनल में, अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो मेरा पहला पार्ट है जिसमें मैंने प्रोडक्ट को एनालिसिस किया, अब इसकी जो है और 3 पार्ट आने वाला है। इसमें आपको सबसे पहले मैं मोल बनाऊंगा, कोर के बीच बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं इसको अलग इजेक्शन लगाऊंगा, स्टेपर इजेक्शन चलाऊंगा, पूरी कंप्लीट मोल बनाऊंगा। तो इसको पूरा एनिमेशन के साथ में दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो इन फ्यूचर में और भी वीडियो डालूंगा इस तरीके से सॉलिडवर्क्स में। तो अब तक इतना ही था, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।